इस नवी मुंबई ब्यूटी कंटेस्ट का 27 फरवरी को फिनाले रैम पर थिरकेंगी टॉप 16 मॉडल यू एंड आई एंटरटेनमेंट का शानदार आयोजन। रैम पर अपनी अदाओं का प्रदर्शन कर रही है वो टॉप 16 मॉडल हैं जिन्हें यू एंड आई एंटरटेनमेंट ने 27 फरवरी को होने वाले मिस नवी मुंबई ब्यूटी कंटेस्ट के लिए चुना है। यू एंड आई का यह 10वां ब्यूटी पेजेंट है जिसे निकलकर कई मॉडल देश और दुनिया में अपना जलवा बिखेर रही है। वासी के 4 पॉइंट होटल में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यू एंड आई के डायरेक्टर हरमीत सिंह गुप्ता ने मिस नवी मुंबई फिनाले कंटेस्ट की जानकारी देते हुए कहा कि पेंडेमिक चुनौतियों के बीच यह कंटेस्ट हम खास सावधानियों के साथ आयोजित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार कुल 284 युवतियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था जिनमें से टॉप 16 मॉडल को फिनाले के लिए चुना गया है। बहुत ही मज़ेदार रहेगा, बहुत ही रोमांचक रहेगा। 10वां साल है, बहुत ही हम खुद भी बहुत एक्साइटेड हैं इस 10th ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए। एंड All the best to all the contestants. Welcome to the 10th year and the 10th season of Miss Navi Mumbai. हम पिछले 10 सालों से ये कर रहे हैं और मैं बहुत excited हूँ इस साल क्योंकि 10वां साल है और इस बार हमारा COVID conditions के होने के बावजूद हमने successfully इसको यहाँ तक पहुँचाया है और finale तक भी इंशाल्लाह ये ज़रूर पहुँचेगा। और हम grooming पर बहुत ध्यान दे रहे हैं contestants की जो हम हर साल देते हैं। इस बार हमारी एक participant छत्तीसगढ़ से है, आपको शायद ये नहीं पता बट मैंने सोचा आपको इन्फॉर्म कर दूँ कि ऑल द वे दूसरी सिटी से, एक नई सिटी से हमारे पास एक पार्टिसिपेंट है। तो अब आप देखिए कैसे कैसे इंडिया से हम चुन चुन के हीरे निकाल कर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ले जाएंगे। जैसे हम सुमन को ले गए थे वैसे आपको और बहुत डायमंड्स मिलते रहेंगे इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। हमने ऑडिशंस किए हैं 26 जनवरी को होटल 4 पॉइंट्स में और हमारा फिनाले होगा 27 फरवरी एट स्काई ग्रिल होटल 4 पॉइंट शेरेटन। मैं आप सभी को कहूंगा कि प्लीज आइए, यू आर मोस्ट इन्वाइटेड। थैंक यू सो मच। गौरतलब है कि मिस नवी मुंबई कंटेस्ट को होटल 4 पॉइंट, एसके ग्रुप, शिकारा होटल एवं कई कंपनियां सपोर्ट कर रही हैं। प्रायोजकों ने भी ब्यूटी पेजेंट और यू एंड आई के साथ जुड़ने पर खुशी जताई और संचालकों की सराहना की। वहीं बीते कंटेस्ट की मिस नवी मुंबई विजेता रिया मेकाटुकुलम और सिमरन मल्होत्रा ने फैशन और मॉडलिंग के लिए यू एंड आई को सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म बताया। आई लाइक टू थैंक द यू एंड आई एंटरटेनमेंट टीम एंड द मिस नवी मुंबई फैमिली फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी दैट आफ्टर मिस नवी मुंबई माई लाइफ हैज कम्प्लीटली चेंज्ड। आई हैव लर्नड अ लॉट। द ग्रूमिंग सेशन इज अ मेन थिंग दैट हैपन्स इन मिस नवी मुंबई दैट वुडंट बी देयर इन मोस्ट ऑफ द पेजेंट्स। यू लर्न अ लॉट बी इट बींग कॉन्फिडेंट ऑन स्टेज, फेसिंग द रैंप वॉक और यू नो बींग पर्सनली ग्रूम्ड। इट्स द 3 थिंग्स really matters and these are the things that you really learn in Miss Navi Mumbai. And I feel that pageants are growing day by day. There are a lot of girls who are interested to be part of pageants and you know groom themselves because these are the platforms where you get to know yourself more. I have been the winner of Miss Navi Mumbai 2017 and I was a student who was fresh out of school, jise bilkul bhi pageants ya modeling ka koi experience nahi tha. And walking into my first pageant, jis tarah ki training hame di gayi, those 7 days masti mazak bahut hua, but personal attention jo har contestant ko mila, I walked out as a completely different person. My personality was so much more confident and aapke talent ko wo pehchan kar jis tarah polish karte hain, you can see yourself changing day by day. And finale tak we were so well groomed that you know all of us were so confident. हमें कंपटीशन का तो ख्याल ही नहीं रहा था, अब बस ये था कि हमें अपना बेस्ट देना है और इस स्टेज से इतने सारे मेमोरीज जो है वो वापस लेके जाए। लास्ट 6 years वी हैव एसोसिएशन विद यू एन एन एंटरटेनमेंट एंड मिस नई मुंबई बट आई रियली फील प्राउड अबाउट टुडे बीइंग लाइक 10th year of मिस नई मुंबई एंड वी आर एसोसिएटेड वेरी स्ट्रांगली विद देम एज अ हॉस्पिटैलिटी पार्टनर। The commitment which we are giving, we will give them a complete outstanding hospitality experience by following all the standards, global standards of and protocols of hygiene standards and we make sure that we look forward to have a very healthy and very safe event experience for all the participants, contestants, all my media friends. Thank you very much. 10 saal se main jud raha hu Harmeet ji ke saath aur 10 saal ek sadi hota hai pura, jo bahut garv ki baat hai hamare Navi Mumbai vasiyon ke liye। इन्होंने बहुत टीवी स्टार, टीवी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री को बहुत स्टार दिए हैं। मिस वर्ल्ड सुमन राव वो भी मिस नवी मुंबई से गई है, तो हमारे पूरे नवी मुंबई के लिए बहुत गर्व की बात है। मैं मिस नवी मुंबई से लास्ट 10 साल से जुड़ा हुआ हूं, जो कि सबसे पहले जो शो था तब से लेकर अभी तक मैं इन लोगों के साथ में हूँ। इनके लिए मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा कि मैं अकेला ही चला जा रहा था मंजिल मकसूद, मगर लोग आते गए और कारवा बनता गया।
तो इन ये है कि कोई चैलेंज या कोई कंपटीशन नहीं है, सिर्फ इन्होंने अपनी लाइन आगे बढ़ाते गए। हर साल ये लोग कुछ न कुछ नया लाते हैं, कंटेस्टेंट को अच्छे में अच्छी ग्रूमिंग देते हैं। और मेन चीज़ ये है कि इनके पास कोई ग्रूमिंग चार्जेस नहीं है, जैसे दूसरे इवेंट में होता है 35,000 40,000 1-1 लाख रुपये तक के जाता है, जो कि यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो अपकमिंग टैलेंट है उनको चुन के निकालते हैं और ये शो करते हैं। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ ऑफ द वेरी प्रेस्टीजियस प्लेटफॉर्म ऑफ मिस नवी मुंबई। और इस बार बहुत सुप्रीमली स्पेशल है क्योंकि ये सीजन 10 है और इनके हमेशा ब्यूटीफुल 16 कंटेस्टेंट्स रहते हैं। एंड आई थिंक द टफेस्ट जॉब जो UNI एंटरटेनमेंट के लिए हमेशा होता है टू सिलेक्ट द कंटेस्टेंट्स, वेयर कंटेस्टेंट्स कम ईयर आफ्टर ईयर, सेम कंटेस्टेंट्स जब तक वो टॉप 16 में नहीं आते ट्राई करते रहते हैं। इस साल बहुत ही स्पेशल है क्योंकि everyone is truly waiting। कुछ पता नहीं था क्या होने वाला है लगभग 11 महीनों से। सो मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी टू UNI एंटरटेनमेंट अलॉन्ग विथ 4 पॉइंट्स वाशी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।